आज गोवर्धन क्षेत्र के अंतर्गत राधाकुंड कस्बे के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नेशनल मोबाइल यूनिट मेडिकल कैंप का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया, जिसमें कस्बे की गर्भवती महिला एवं युवतियों की निःशुल्क जांच एवं दवाई वितरण का कार्यक्रम चिकित्सा विभाग की टीम के द्वारा किया जा रहा है। जिसकी जानकारी देते हुए नेशनल मोबाइल यूनिट मेडिकल टेम्पो प्रभारी डॉक्टर भानु प्रताप सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यह कैंप चिकित्सा विभाग के अधिकारियों द्वारा चयनित गोवर्धन ब्लॉक के गांव में लगाए जाएंगे, जिसमें गर्भवती महिलाओं एवं युवतियों की शारीरिक जाँच एवं निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की जाएंगी। सर, जैसा कि आज यहाँ पे कैंप लगाया गया है, क्या कुछ उद्देश्य था? जी सर, मैंने ये कैंप लगाया था गांव के लोगों के लिए घर बैठे दवाइयाँ उपलब्ध कराना और गर्भवतियों और किशोरियों की जांच करना, जिन जांचों में से खून की जांच है, हीमोग्लोबिन है, शुगर है, यूरिन एल्बुमिन शुगर है, और गर्भवती महिलाओं को घर बैठे उनके जो प्रेगनेंसी के दौरान जो जरूरी दवाइयाँ हैं, जैसे आयरन की, कैल्शियम की, ये कैंप लगाया था सी एम ऑफिस और यहाँ के सी एस सी गोवर्धन के प्रभारी के संयुक्त मदद से। सर, अभी तक कितने पेशेंट्स की जांच हो चुकी है? सर, करीब 50 पेशेंट की जांच हो चुकी है, जिसमें काफ़ी लोगों की शुगर हुई है, किसी की एल्बुमिन, किसी की हीमोग्लोबिन, जिस हिसाब से इसको जैसे जरूरत पड़े। तो ये भी कहा जा रहा है कि दवाई और जो परामर्श है सभी निःशुल्क है? हाँ, बिल्कुल, पूरी तरह से निःशुल्क है। और ये हम ये प्रोग्राम है, कैंपिंग है, पूरे ब्लॉक में चल रहा है, हर रोज किसी हर गाँव में डेली डेली। कितने दिन तक चलेगा सर ये? अब इस महीने पूरे गोवर्धन ब्लॉक में चलेगा, कुछ चुनिंदा गांवों में जिनकी लिस्ट निकाली गई है कि इन गांवों में जरूरत है, जहाँ तक